नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन में लगे जिन अधिकारी कर्मचारियों के लिए वीडियो तैयार किया गया है वो ध्यान दें और वीडियो को ध्यान से सुने। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चुनाव का समय चल रहा है तो मतदान के दौरान जब मॉक पोल शुरू करेंगे तो क्या करना है देखिए। कनेक्शन, सभी केबलों को यथा स्थान जोड़ना है, जो इस प्रकार है, बीयू को वीवीपैट से और वीवीपैट को सीयू से, अर्थात बैलेट यूनिट को वीवीपैट मशीन से जोड़ेंगे और वीवीपैट मशीन को कंट्रोल यूनिट से जोड़ना है। वीवीपैट का जो नॉब है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कर देना है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करना है और टोटल बटन से जीरो मत देखना है। मॉक पोल में नोटा सहित कम से कम कुल 50 वोट डालना है। इसके उपरांत क्लोज व रिजल्ट का बटन दबाना है। परिणाम को वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करना है। इसके बाद मशीन के डाटा को क्लियर करना है और मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार करना है। इसके बाद सीलिंग कार्य, टोटल का बटन दबाकर एजेंट को जीरो मत दिखाना है। पुनः जब क्लियर हो जाएगा मॉक पोल का डाटा तो एजेंटों को टोटल का बटन दबाकर जीरो मत दिखाना है। फिर सीयू का जो स्विच है वो बंद कर देना है। सीलिंग के दौरान सीयू का स्विच बंद करना है। हरिपुत मुद्रा से जब सीलिंग करेंगे तो क्रमांक के पास एजेंटों और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करना है, रिजेक्ट जो कि रिजल्ट सेक्शन में लगाई जाएगी। इसके बाद स्पेशल टैग लगाना है, एड्रेस टैग लगाना है, स्ट्रिप सील जिस पे ABCD लगाना होता है लगाना है। वीवीपैट पर ड्रॉप बॉक्स को सील करना है, एड्रेस टैग लगाना है और कंट्रोल यूनिट सीयू का स्विच ऑन कर मतदान प्रारंभ करना है। अंतिम मतदाता के मतदान करने के बाद क्लोज का बटन दबाना है और कनेक्शन हटाकर वीवीपैट की बैटरी निकालना है और 3 प्रति में प्रमाण पत्र तैयार करना है। कौन कौन से लिफाफे या प्रपत्र खुले लाना है वो भी देखें। मतपत्र लेखा 2 प्रति में जो कि 17C होता है। दूसरा है पीठासीन अधिकारी की डायरी 1 प्रति में। तीसरा है 16 बिंदु की रिपोर्ट 1 प्रति में। चौथा है स्क्रूटनी प्रपत्र। पांचवा है वीवीपैट की बैटरी और छठा है वीवीपैट की बैटरी का 3 प्रति में प्रमाण पत्र और सातवा है मॉक पोल का प्रमाण पत्र। ये खुले लाना है। देखिए, मतदान शुरू होने से पूर्व कनेक्शन करते वक्त यदि निम्नलिखित त्रुटि हो तो उनमें किस तरह का सुधार किया जाना है, मशीन में त्रुटियों का किस तरह से सुधार किया जाना है ये ध्यान रखें। यदि सीयू में इनवैलिड दिखाने पर CRC करें, क्लोज रिजल्ट क्लियर ये प्रोसेस करें तो ये जो त्रुटि होगी वो हट जाएगी। दूसरा है यदि कंट्रोल यूनिट में इलेक्शन एक्सीडेट दिखाई दे तब भी CRC करना है और ये त्रुटि दूर हो जाएगी। प्रेस एरर दिखने पर वैलेट यूनिट अर्थात व्यू के बटन दबाने पर ये दबा रहने पर ये त्रुटि होती है तो बटन चेक करें, जो व्यू के नीले बटन है उनको देखें, कोई बटन दब तो नहीं रहा है और ये इधर दूर हो जाएगी। लिंक एरर दिखाई देने पर कनेक्शन चेक करें। इन ऑपरेटिव दिखने पर कंट्रोल यूनिट बदलना पड़ेगी। यदि इन ऑपरेटिव
का एरर मिल रहा है तो कंट्रोल यूनिट बदलना पड़ेगी। रिप्लेस वीपीपैड देखने पर वीपीपैड बदलना पड़ेगा। एरर 2.1 से 2.14 तक दिखने पर वीपीपैड बदली जाएगी और पोल एक्सीडेंट दिखने पर वीपीपैड बदलना होगा। दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया से हमको गुजरना है मतदान के दौरान, और ये कतई न भूलें, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये याद रखना है कि मॉक पोल के बाद CRC ज़रूर करें। दूसरा है, सीलिंग के समय कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ अर्थात बंद कर दें। तीसरा है, मतदान समाप्ति के बाद क्लोज का बटन दबाएं। और चौथा है, वीवीपैट की बैटरी निकालें। और पांचवा है, बैटरी पर मतदान केंद्र क्रमांक की पर्ची लगाएं। ये बहुत अनिवार्य चीज़ है। ये सारे अपन को जब मतदान समाप्त हो जाएगा तो ये चार पांच चीज़ें बहुत ही याद से अनिवार्य रूप से करना है। तो दोस्तों, आशा है ये आप पढ़कर सुनकर आपको चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ मदद मिलेगी। इस आशा के साथ नमस्कार, धन्यवाद।